इस समय देखेंगे ये छिलके इसमें ये उतार रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये इसके छिलके हम उतार चुके हैं। अब ये टमाटर जो हैं ये देखें इसके अंदर पूरे हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे, डालना शुरू करेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी एक चम्मच, डालेंगे इसके अंदर ये अपना दही। लाल मिर्चें, ये जो एक चम्मच हमने रखी हुई थी तो लाल मिर्च डाल दी, फिर हमने ये डाल दी है कुटी मिर्च डाल दिया, ये भुना हुआ जीरा डाल दिया है हमने, और ये हमने पिसा धनिया डाल दिया है, और ये हमने अपना कढ़ाई का तो मसाला आपको बताया था वो डाल दिया है। अच्छा, ये मैंने जो ब्लैक पेपर है ये मैं बाद में डालूंगी, अभी डालूंगी तो इसमें बहुत तेज़ी आ जाएगी तो मैं बाद में डालूंगी। ठीक है, सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक भी हमने डाल दिया था आपके सामने जब हमने टमाटर रखे थे, तो उससे टमाटर अच्छे से गल जाते हैं, उससे छिलके आसानी उतर जाते हैं। ये एक छिलका जो है ये थोड़ा सा रह गया होगा छोटे टमाटर में, तो ये हम इसको अभी रिमूव कर देंगे ताकि हमें परेशान ना पड़ेगा। आप हमारी कढ़ाई का कलर भी देखें, ये देखिए ये हमारी कढ़ाई तेल भी सेपरेट हो चुका है और हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे जो मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लैक पेपर है, ये अब हम इसमें डालेंगे। ठीक है, ब्लैक पेपर डाला है क्योंकि वरना कढ़ाई काली हो जाती है। ये देखें ये डाल रही हूँ, ये मिक्सचर मिलाई डाल दी है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे सूखी मेथी। देखें जो कि हमने धोकर और ये छान ली थी, अब जो है हम इसमें सफ़ेद देखें डाल देंगे अपनी कढ़ाई में। इसको कर देंगे बंद, ये आप इसका लुक देख सकते हैं। और अदरक मैं अभी डाल रही हूँ इसमें बारीक कटी हुई, व्यूअर्स ये मैंने डाल दी है ऊपर से ये अदरक, और बाकी अदरक हमने रखी हुई है वो डिश आउट करेंगे तो फिर हम डालेंगे। ये फाइनली इसके लुक है, और अब हम जब डिश आउट करेंगे खाने बैठेंगे फिर दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, हम जा रहे हैं कहीं अभी, और आप सोचेंगे कि हमने अभी खाने का व्लॉग क्यों नहीं बनाया, तो खाने का व्लॉग हम आके बनाएंगे, और अभी हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हम जा रहे हैं और अभी हम आपको जाके बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये मैं इनके साथ जा रही हूँ और
हम आपको बताएंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए हम आए हैं यहाँ पर तंदूर पर तंदूर की रोटी लेने के लिए। आज हमने सोचा था कि हम तंदूर की रोटी खाएंगे कढ़ाई के साथ, तो ये तंदूर की रोटी हम लेने के लिए आए हैं। तो ये हमने ले ली है रोटी और अब हम जा रहे हैं घर। अब हम जाके मिलेंगे आपसे घर में। ये देखें व्यूअर्स, ये कितनी गहमा गहमी हुई भी होती है रात में यहाँ। माशाल्लाह ये लेट नाइट तक सब खुला हुआ होता है यहाँ पर। और ये देखें, ये चिकन शॉप है। ये यहाँ से हमारा एरिया माशाल्लाह से बहुत पुरौना का एरिया है हमारा। और ये देखिए हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, हमने रोटी ले ली थी। और ये देखिए यहाँ पर सब, मैं ये मुझसे आगे आगे बात सुने, मैं साथ में हूँ आपके। ये देखें व्यूअर्स, हम अब हम आपसे मिलते हैं घर जाकर, ठीक है जी व्यूअर्स। अब हम घर पहुंच चुके हैं, देखें हम घर के अंदर एंटर हो गए हैं और ये हम जा रहे हैं ऊपर। ये देखें हम अपने घर जा रहे हैं ऊपर। ये देखें हम, अल्लाह हो, ये देखें व्यूअर्स हम घर पर आ चुके हैं जी व्यूअर्स। ये देखिए हमारी कढ़ाई, ये हम कढ़ाई ही लेके दस्तरखान पे बैठे हैं। मरियम ने बोला क्योंकि ये कढ़ाई है तो हम इसे कढ़ाई में ही खाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को यूँ ही सजाए रखे, अल्लाह ताला उनके तुफैल हमारे दस्तरखानों को भी यूँ ही सजाए रखे, अल्लाह सबके रोज़ी रोज़गार में तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला सबके हाथों में जायका दे और उनके बदौलत हमारे हाथों में जायका दे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना खाना, फिर इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं खाने के बाद चाय। जी व्यूअर्स, हमने खाना खा लिया है, चाय पी ली है और अब हम बैठे हुए हैं, थोड़ा गपशप करेंगे और टीवी वगैरह थोड़ा देखेंगे। और बस अब मैं यही कहूँगी कि आप सब अपना ख्याल रखें, आप लोग सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारी, हर तरह की आफ़तात से बचाए, अल्लाह हासिलों की हसद से बचाए, अल्लाह आप लोगों को नज़रे बस से बचाए, आप लोगों के तुफैल हमें भी इन सब चीज़ों से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे और आबाद रखे, और आपके तुफैल हमें भी अपने घरों में खुश और आबाद रखे। सब बच्चों के नसीब अच्छे करे अल्लाह ताला, आमीन। सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, आमीन। और जो मेरे बेटा बेटी, जो बे औलाद हैं, जो बहन भाई मेरे बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे, अल्लाह ताला नेक सवाले औलाद से नवाजे, चारों हाथ पैर सलामत औलाद से नवाजे। अल्लाह ताला सब औलादों के दम से अपने माओं के दिल ठंडे रखे और बेटों के दम से अपने बाप के कंधे मजबूत रखे। अल्लाह सबकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन। और उनके तुफैल अल्लाह ताला हमारी भी इज़्ज़त की हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन। सबके रोज़गार में अल्लाह ताला बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसके बाद मैं आपसे यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जिन्होंने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे नए देखने वालों ने, तो वो मुझे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छे कीजिए, या मतलब वैसे कीजिए कि इसको ब्लॉग को आगे अच्छा करने के कीजिए, कुछ भी मुझे टिप्स दीजिए सब कुछ। और मेरी रेसिपीज़ जो आज हमने बनाया कढ़ाई, तो आप मुझे व्यूअर्स बताइएगा कि आज हमने कढ़ाई बनाई तो हमने कैसे, आपको रेसिपी कैसी लगी, आपको कैसी लगी मेरी बनाई हुई कढ़ाई। तो फिर इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपीज़ के साथ और एक नए और अच्छे खुशगवार दिन के साथ, ठीक है। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।